नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा, मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जानते हैं हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम सोचते हैं हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिला, हमने तो पूजा पाठ की लेकिन हमें उसका उतना लाभ नहीं मिला। उसका कारण जानते हैं आप? कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पूजा पाठ करते समय नहीं करने चाहिए। आज मैं आपको कुछ जानकारियाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो कि आपको पूजा करते समय नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं कि हम जब मंदिर जाते हैं, हम हाथ में प्रणाम करना चाहते हैं, हम एक हाथ से प्रणाम करना चाहते हैं, जैसे हो गया ना ऐसे, भगवान जी को ऐसे कर दिया, कभी भी ऐसे नहीं करते। जब आप मंदिर जाएं, नियमों का पालन कीजिए, दोनों हाथ इस्तेमाल कर कर भगवान को अपना सिर निभाएं। कहते हैं ना, जो सिर निभाता है अपने सर पे रखे हुए पाप भगवान के चरणों में अर्पित करता है। मंदिर जाने का मतलब है हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव मन के साथ मंदिर जाते हैं। वहाँ जाकर हमने जी थोड़ा सा दूर से ही ऐसे प्रणाम कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होना चाहिए, तब कहते हैं कि आपके सर पर जो पाप होते हैं वो नीचे गिरते हैं, इसलिए आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और हम बात करते हैं मंदिर में किसी व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए। जब हम मंदिर गए हैं तो हमें सिर्फ भगवान के चरण छूने चाहिए, लोगों के चरण नहीं छूने चाहिए, ऐसा नियम है। जाप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए, इससे मानसिक जाप कहते हैं। जब आप जीभ को और मुंह को ना हिलाएं, होंठ ना हिलाएं, जोर जोर से जाप ना करें, मन में करें, इसे मानसिक जाप कहते हैं। इसका जितना आपको लाभ मिलता है उतना आपको मंत्र जपने का नहीं मिलता, इसका आपको बहुत लाभ मिलता है। जिस तरीके से आप कहते हैं ना मानसिक जप करते हैं, उसका हमें विशेष प्रावधान माना गया है और उसका विशेष लाभ मिलता है। जाप करते समय माला को पकड़ने या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। माला को कभी भी ओपन रखकर आप माला का जाप ना करें, कोई भी माला हो, आजकल तो बहुत तरह की माला आ गई है, लेकिन आपको उसको किसी कपड़े में ढककर ही रखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी नजर लग जाती है। आप जानते हैं यदि एक बार आपके पाठ को नजर लग गई, एक बार आपकी माला को लोगों ने देख लिया, तो आपका चीज़ें काफ़ी हद तक बंद जाती हैं, काफ़ी हद तक आपका जो पूजा पाठ है वो ग्रो नहीं कर पाता, चीज़ें अध्यात्म की तरफ नहीं जाती। तो आपको हमेशा ढककर ही माला जपनी चाहिए। कहा जाता है जाप के बाद आसन के नीचे भूमि को स्पर्श कर नेत्रों को लगाना चाहिए। जब भी आप पाठ करके उठते हैं, कोई यज्ञ करके उठते हैं, तो आपको हमेशा आँखों को लगाना चाहिए धरती से। कहते हैं सबसे पहले पाठ करते हुए जब भी उठें धरती पर ही, कहते हैं हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, हमें सबसे पहले उठते समय अपने धरती का फल लेना चाहिए, नहीं तो हमें फल नहीं मिलता। तो जब भी आप पूजा करके उठें, चाहे आप थोड़ी सी पूजा करें, कोई जाप करके उठें, मंदिर में करें, घर में करें, लेकिन मंदिर से अपनी जगह पे जहाँ पर आपने जाप किया उसको अपनी आँखों पर ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषेध है, तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इन सब जो मैंने आपको बताया, संक्रांति पर नहीं तोड़नी चाहिए, द्वादशी पर नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या पर नहीं तोड़नी चाहिए, पूर्णिमा पर नहीं तोड़नी चाहिए, रविवार को और संध्या काल के समय तुलसी ना तोड़ें, विशेष पाप मिलता है आपको, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है एकादशी पर घर पर चावल ना बनाएं। ये सब बातें मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप सोचते हैं ना कि हमने तो पूजा की, इतना टाइम हमने पूजा की लेकिन हमें फल नहीं मिला, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। एकादशी वाले दिन चावल ना खाया कीजिए, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी पर चावल बनाना खाना कष्टों को बढ़ाता है, पीड़ा को बढ़ा देता है, साथ में आपको जो फल मिल रहा है पूजा का वो नहीं मिलता, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। दीपक से दीपक ना जलाएं, कभी भी हम जोत जला देते हैं ना, तो जोत से ही हमने अगरबत्ती जला दी, अगरबत्ती से ही हमने दूसरी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जोत से जोत नहीं जलानी चाहिए पूजा के स्थान में, ये वही सब चीजें हैं जिनसे आपकी पूजा का फल कम होता है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। यज्ञ श्राद्ध आदि आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सफेद तिल जो होते हैं उनसे हमको यज्ञ में नहीं डालना चाहिए, काले तिल से आप पूजा कर सकते हैं और वही आपके लिए शुभ रहता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो कि आप कर सकते हैं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा करने से आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो शनिवार जैसे आप शनि मंदिर जाते हैं वैसे ही आप जाइए और शनि देव के आगे दीपक जलाइए और उनकी परिक्रमा कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। भोजन प्रसाद का, मुझे लगता है कभी किसी का भोजन
या प्रसाद कोई खा रहा हो उसको लांघना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी कुछ चीजें मैंने आपको ऐसी बताई जिसको करने से आपको लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ आप ना दोष से बच सकते हैं जो बड़े दोष लगते हैं। तो ये रही कुछ चीजें, इनका आप लाभ उठाइए और ना कीजिए ताकि आपको फल मिल सके। धन्यवाद।